हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हेल्थ ओके टच में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइपॉन ड्रॉप के बारे में, इसके यूज़, डोज, साइड इफेक्ट और इसके फ़ायदों के बारे में पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इस 15 ml पैकिंग की कीमत ₹50.50 है। इसको जेनो कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, ये ड्रॉप आपको सभी मेडिकल स्टोरों पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसके अंदर सरप्रोपाइडिन और ट्राइकोलिन सिट्रेट है। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूज की। तो दोस्तों, यदि आपके बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लगती है, आपका बच्चा बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, बच्चा सुस्त और कमजोर है, नींद भी अच्छी तरह से नहीं आती है, ओटी भी सही से नहीं करता है, बच्चे के अंदर सुस्ती है, कमजोरी है, तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए साइपॉन ड्रॉप बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, बच्चा खाना सही से नहीं खा पा रहा है, बच्चे के खाना हजम नहीं हो रहा है, पोटी भी सही से नहीं कर रहा है, तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए साइपॉन ड्रॉप बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, ये बच्चे की भूख भी बढ़ाती है, वजन भी बढ़ाती है और बच्चों की कमजोरी भी दूर करती है। दोस्तों, ये बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट दवा है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी डोज की। तो दोस्तों, वैसे तो इसकी डोज बच्चे की एज और वेट के हिसाब से दी जाती है, फिर भी इसकी कुछ नॉर्मल डोज मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यदि बच्चा 5 से 6 महीने का है तो उसे 0.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको बच्चे को दें। दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो दोस्तों, इस दवा को बच्चे को देने के बाद अगर बच्चे को नींद आती है, दस्त, सुन्नपन की शिकायत दिखे, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी दवाई का इस्तेमाल करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।